हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गोली निर्देश तंत्र में स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पे हमने ये बेसिक आइडिया बताया था कि एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई में क्या रिलेशन होता है। ये मैं 1 2 3 बोल देता हूँ इसको। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों ने पहले सेकेंड ईयर में पढ़ाई की होगी इसकी, या जहाँ पे भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा आपने वो। अब देखो ये समझ में आया एक बात है। एक दूसरी चीज़ और होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तीन पैरामीटर है जैसे वेरिएबल यहाँ पर तीन कौन कौन से कोऑर्डिनेट। एक तरीके से जैसे मैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूँ तो एक तो है U1 बोल दूँ, तो एक तो है इसमें R, एक बोल दूँ U2 ये होता है थीटा, और एक होता है U3 ये होता है फाई। मतलब जैसे X, Y और Z होते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या R, थीटा और फाई, और मैं इनको U1, U2, U3 बोल रहा हूँ। U1, U2, U3 क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आगे जाके ये फॉर्मूले में काम में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब इसका एनालिसिस करते थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता था, और उस फॉर्मूले में तीन चीज़ें आती थी। उसमें आता था H1, H2 और H3। अब ये H1, H2 और H3 का मीनिंग क्या होता था, H1 यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होता है 1, और ये H2 होता है वो होता है R, और H3 होता है वो होता है R साइन थीटा। ये तीनों चीज़ें होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका क्या मतलब है। ये चीज़ें हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन था ये, कंप्लीट उसके अंदर स्टडी किया गया है, तो उसको हम लोग बस थोड़ा सा काम में ले रहे हैं। तो मैं इसमें पूरा घुस के नहीं बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि जब इसको स्टडी करेंगे तो फिर तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स खुल जाएगा। तो हम लोग इस, ये फोकस इस बात पर नहीं है, ये तो हम लोग जस्ट यूज कर रहे हैं कि ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर मतलब ये क्या है, एक तरीके से दो बार डिफरेंशिएशन है, ये लाप्लासियन बोलते हैं डेली स्क्वायर को, क्या बोलते हैं लाप्लासियन। तो ये जो लाप्लासियन है वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो भी आर थीटा फाई के टर्म्स में, और आर थीटा फाई के टर्म्स में लाप्लासियन का फॉर्मूला ऐसे होता है। देखो मैं इसको ये बताता हूँ, ये आता है इस तरीके से, सुनना मेरी बात। अब कोई भी अगर डेल स्क्वायर फाई आता है, फाई या साई कुछ भी ले लो, कोई भी फंक्शन आता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा आता है, 1 अपॉन H1 H2 H3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डेल बाय डेल U1। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में सेकेंड ईयर में आता है, हम तो बस जिसको इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेल बाय डेल U1 और ये आता है H2 H3 बाई H1 डेल साई बाय डेल U1 ऐसे आया। अब देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना, ध्यान रखने के लिए, बाहर तो 1 अपॉन H1 H2 H3 आया, फिर U1 के रिस्पेक्ट में, मतलब U1 मतलब पहला वेरिएबल, U2 मतलब सेकंड वेरिएबल, पहला वेरिएबल है R, सेकंड है थीटा, फिर है फाई, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। यहाँ पर 1 आया ना, तो यहाँ पर नीचे 1 आया और ऊपर जो बाकी बच गए वो। इसी तरीके से देखो डेल बाई डेल U2 इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर देखो U1 था, यहाँ पे H1 आया, यहाँ पे U2 है, तो यहाँ पे है H2, बाकी जो बच गए ना H1 और H3 वो ऊपर आ गए, फिर डेल साई बाई डेल U2, क्योंकि यहाँ डेल साई बाई डेल U1 था। सेम इस पैटर्न को देखो, मैं फिर से फॉलो कर रहा हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करूँगा तो क्या आएगा, डेल बाई डेल U3। 2 आ रहा था पहले, 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे नीचे नीचे 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 था, ये 3 था तो H3 आएगा, ऊपर H1 H2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे डेल साई बाय डेल U3 है ना, तो डेल U3 आ गया, ये आ गया। ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है, लाप्लासियन बोलते हैं वैसे इसको, क्या बोलते हैं लाप्लासियन डेल स्क्वायर को। यहाँ पे डेल स्क्वायर डबल टाइम पे डेरिवेटिव है एक तरीके से, इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, बट इसको क्या बोल रहे हैं, लाप्लाशियन बोल रहे हैं। तो डेल स्क्वायर फाई का साई का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मेरे पास में इसमें क्या चाहिए, U1 U2 U3 H1 H2 H3 इन दोनों तीनों के वैल्यू चाहिए मेरे को। तो H1 H2 H3 के ये वैल्यू है, ये इसके वैल्यू। अब किसी को ये लगे कि मैंने ये वैल्यू कहाँ से लिखे, तो भैया बात ऐसी है कि जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एनालिसिस पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती है, 1 r साइन थीटा। अब मैं वो पूरा डिटेल ओपन करके यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक अलग है, ठीक है। तो ये सिस्टम है।
डेल स्क्वायर साई वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू है तो वो वन है, उसका है आर और इसका है आर साइन थीटा, ठीक है। डेल बाय डेल यू वन, यू वन का मतलब पहला वेरिएबल, पहला वेरिएबल है डेल आर है पहला वेरिएबल, तो आर लिख दिया यू वन का वैल्यू, ठीक है। सेकंड में देखो एच टू एच थ्री, एच टू का वैल्यू है आर और एच थ्री का वैल्यू है आर साइन थीटा अपॉन एच वन का वैल्यू है वन, डेल साई बाय डेल यू वन, यू वन मतलब डेल आर, क्लियर है। सेकंड डेल बाय डेल यू वन, यू वन का मतलब सॉरी यू टू, यू टू मतलब थीटा, दूसरा वेरिएबल ये है ना, पहला आर है सेकंड थीटा लिया मैंने, थर्ड को फाइव लिया, एच वन एच टू एच थ्री, ये बस ये वैल्यू पुट कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा। और आपको किसी को लगेगी सर ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी बताइए, तो ये फॉर्मूले का देखो एक पर्टिकुलर अपना ही एक डेरिवेशन बनता है बहुत बड़ा, और वो हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट है, तो वहाँ से हमने कुछ यूज कर रहे हैं बस डायरेक्ट, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बताने बैठेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हमारे टॉपिक पे फोकस करेंगे। अब देखो एच वन एच थ्री, एच वन होता है वन, एच थ्री होता है आर साइन थीटा, आर एच टू होता है आर, ये हो डेल साई बाई डेल यू टू का मतलब थीटा, प्लस डेल बाई डेल यू थ्री मतलब फाइव, और ये एच वन एच टू, वन तो है वन एच वन, तो एच टू क्या है एच वन टू है आर, और एच थ्री क्या है एच थ्री है आर साइन थीटा, और ये आ गया डेल साई बाई डेल यू थ्री मतलब फाइव, ये आ गया भैया, क्लियर है। इस चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, देखो डेल स्क्वायर साई जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये डेल बाय डेल आर, ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डेल साई बाय डेल आर, ठीक, प्लस डेल बाय डेल थीटा, इसमें आर आर से कैंसिल आउट हो गया बचा साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा, इसके अंदर देखो डेल बाय डेल फाई, और ये बचा आर से आर कैंसिल आउट वन अपॉन साइन थीटा डेल साई बाय डेल फाई, ये सिस्टम है, क्लियर है। चलो भैया ये जो हमने किया है ये इतना सब कुछ कर लिया हमने अभी, ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखना ये देखो थीटा फाई और जो आर है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे एक्स वाई और जेड होते हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखना सिंस आर थीटा एवं फाई परस्पर क्या बोलते हैं, या इनको बोलो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र राशियां हैं, आर थीटा एंड फाई आर इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट है टू ईच अदर। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है तो इससे क्या होगा, डेल स्क्वायर साई जो आ रहा है वो ऐसे आएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, इसमें देखो ये वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा पहली बात, तो चलो सबके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बात सुनो पहले, ये वाला ये आर का जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा तो थीटा तो इंडिपेंडेंट है ना, थीटा तो आर पर डिपेंड नहीं करता, तो साइन थीटा को मैं बाहर ले सकता हूं, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर साइन थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ गया, और इसमें ये हुआ डेल बाय डेल आर, मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, ये हुआ अंदर क्या हुआ आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर,
ठीक है। फिर इसके अंदर, इसमें तो साइन थीटा कैसा ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कुछ बाहर नहीं आएगा, साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा, ठीक है। इसके अंदर, इसमें भी देखो फाई पे थीटा डिपेंड नहीं करता, फाई पे थीटा डिपेंड नहीं करेगा तो साइन थीटा विल बी इंडिपेंडेंट टू फाई, तो साइन थीटा को मैं बाहर ले सकता हूं, इधर साइन थीटा विल कम आउट डेल बाई डेल फाई डेल साई बाई डेल फाई, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये मिला। हाँ चलो भैया, ये यहाँ तक कुछ लफड़ा समझ में आया अपने को, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अब उस इक्वेशन में रखते हैं, डेल स्क्वायर साई का वैल्यू जो आया ना अपने पास, किसी ने नहीं छापा है तो इसको पॉज करके छाप लेना यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू है ये हम लोग रखेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन में। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर लगाते हैं हम लोग, इसको पहले वन तक हो गया था ना, इसको कुछ इक्वेशन नंबर टू लिखते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर टू लिख दिया। इसमें डेल स्क्वायर साई का वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डेल स्क्वायर साई का वैल्यू पुट करूँगा, और इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। तो तीन से उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो समीकरण तीन से दो में मान रखने पर, एक सेकेंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले क्या, इसको पहले ही अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, एक बार समीकरण दो से मैं काम करता हूँ, इसको तीन को यहीं पे रहने दो, अभी वैल्यू पुट मत करो, समीकरण दो से इक्वेशन टू से, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में देखो क्या है, इक्वेशन टू है कहाँ, अरे रुको 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 रुको, मैंने गलत लिख दिया उसको, ये वन था, ये टू था, ये ओ सॉरी, ये इक्वेशन नंबर टू तो यहीं तक हो गया था, इसको थ्री करो, इसको थ्री करो आप, इसको फोर करो, इसको फाइव, है ना, और इसको इक्वेशन नंबर सिक्स करो, ये सिक्स होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सिक्स होगा। चलो ठीक है, अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पहले इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन था ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे पहले क्या करते थे वैसे वैसे कर रहा हूँ मैं इसमें। तो देखो e माइनस वी और e माइनस वी वहाँ पर जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा, और ये इधर आएगा, तो वापस, तो मैं इक्वेशन टू से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू से देखो माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई, और जो v था v उधर चला गया, तो e माइनस वी और ये साई आ गया इधर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा उधर, तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, और ये e माइनस वी साई, इधर भी माइनस के साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस भी उधर चला गया, इधर लेके आऊँगा तो डेल स्क्वायर साई, और ये आ गया प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी, r में है ना, ये साई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक सेकेंड, अरे v जो है वो r का टर्म है ना, r का फंक्शन है, तो v r लिख दिया मैंने इसको, अभी वैल्यू पुट नहीं किया मैंने, v r का वैल्यू पुट नहीं किया मैंने, बस v ऐसा लिखा है, तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू टू एम अपॉन, ये जो भी आया। अब ये कुछ इक्वेशन नंबर इसको लिख देते हैं, पहले सात तक हो गया था ना, छः तक हो गया था, इसको लिखते हैं सात। अब सात में छः से वैल्यू पुट करते हैं, ये सेवन से सिक्स से सेवन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, तो फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, सिक्स एंड सेवन से वैल्यू देखो, इसका डेली स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है जो भी, ये मैं डायरेक्ट ही पुट कर दूँ क्या, यहाँ से यहाँ पे चिपका देता हूँ इसको, ये है वैल्यू, ओ मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, चलो क्या वैल्यू था, गड़बड़ हो गया ये, तो डिलीट नहीं करना था, कॉपी करना था मुझे, और मैंने डिलीट कर दिया इसको, चलो वापस लिखना पड़ेगा इसको, हाँ गड़बड़ हो गया।
चलो दोबारा लिखते हैं इसको। ये क्या था, इसको मल्टीप्लाई किया था, साइन थीटा को बाहर लिया था, तो ये आया था वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ रहा था, साइन थीटा को बाहर लिया था साइन थीटा, और ये डेल बाय डेल थीटा, और अंदर था क्या आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर, ये था ना। फिर ये तो ऐसा का ऐसा था साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा, और इसमें भी साइन थीटा बाहर आ गया था वन बाय साइन थीटा, और ये क्या था, ये देखो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर, ये आ गया था, है ना। चलो ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ से उठा के वहाँ पे पुट करनी है। ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ से उठा के कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये वाला वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ये डेल स्क्वायर साई का वैल्यू लिख दिया, बाकी का जो बचा वो ये वाला वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, क्या बचा 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आया, एक बार इसको देख लो, टाइम देख लेता हूँ मैं, हम देखते हैं कि मैंने जो किया है वो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो किया है वो आंसर हाँ जी भैया ये ठीक ही है, जो भी मैंने किया है ना ये बिल्कुल ठीक किया है। चलो अब इसमें लास्ट में जाके एक और इम्प्रूवमेंट करके फिर इसको ख़त्म करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो देखो, ये इसको ये वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर है ना, सब टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर अंदर ले जाऊँगा तो एक स्टेप और कर लेते, इसमें अंदर लेके गए तो साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर डेल बाय डेल थीटा आर स्क्वायर, और ये आएगा डेल साई बाय डेल आर, ठीक है। अरे यहाँ पर डेल बाय डेल थीटा कैसे आया, वन सेकेंड गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे, डेल बाय डेल थीटा कैसे आया यहाँ पे, यहाँ पर डेल बाय डेल थीटा नहीं है, डेल बाय डेल आर है ना, सॉरी यहाँ पर डेल थीटा नहीं है, डेल आर है भैया, यहाँ पर डेल आर है। चलो ठीक है, ये आर है, ठीक है, ये डेल आर है, ये जो वैसे इसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा कैंसिल आउट, वन अपॉन आर स्क्वायर बच गया। इसमें लेके आया, इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड टर्म में तो कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा क्योंकि साइन थीटा अंदर है डिफरेंशिएशन के, ये हो गया साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म से, तो थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो आर स्क्वायर साइन थीटा है तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा पहले से ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये यहाँ से आएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर, फिर ये जो लास्ट का टर्म है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया भैया। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ये क्या है अपना श्रोडिंगर इक्वेशन। वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मेट तो वो ऊपर वाला ही था, लेकिन इसमें पहुंचते पहुंचते ये जो जाके फॉर्मेट मिला है इसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये है, अगर आपको ये बोला जाए कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करो, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी बोल सकता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है, ये के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आई है। अभी अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके मुझे साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तरंग फलन चाहिए ना मुझे, वेव फंक्शन चाहिए, तो मुझे साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो साई है, गड़बड़ किया, देखो एक चीज़ गड़बड़ की है, ये यहाँ पर ये साई भी मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे साई भी चल रहा है, भैया साई भी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक से लिखना इसको, देखो साई चल रहा है ना, साई मल्टीप्लीकेशन में। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया आपका। अब इसमें साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, जैसे पहले किया करते हैं ना, उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट तरीका होगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक के लिए इलेक्ट्रॉन परमाणु पर, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे। अब श्रोडिंगर समीकरण तो आ गया ये, अब श्रोडिंगर समीकरण का हल निकालेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग।